Hello friends, in this video we are going to learn about what is sets and what are its different representations. A set is defined as a collection of distinct objects of same type or class of objects. And object in a set is called as elements or members of a set. Now, ye set hota kya hai? Set like koi bhi different elements jo ek hi class se belong karte hai, ek hi type ke ya ek hi category ke andar aate hai, to usko hum bol sakte hai ki wo set ho sakte hai. To hum usse represent kaise kar sakte hai ya kaise likh sakte hai. To there are different ways in which you can represent a set. बेसिक तो होता है कि सेट आपको सपोज अगर बोलना है कि देर आर डिफरेंट कलर्स एंड सम ऑफ द कलर्स आर रेड ब्लू एंड येलो, तो अगर मुझे ये तीन कलर बार 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 यूज करने हैं मुझे किसी कैलकुलेशन में, तो मैं क्या करूंगी, ये तीन कलर्स को क्या करूंगी, सिंपली एक कलेक्शन बना दूंगी. तो कलेक्शन बनाने के लिए इनको दो कर्ली ब्रेस के अंदर डाल दो, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट इनका कैटेगरी क्या है, सेम है. ये क्या है, सारे कलर्स है. अब इसको अगर मैं बार बार लेना है मुझे, तो मुझे ये बार बार लेना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको लेबल कर दूंगी. तो ये लेबल हो जाएगा बाय कैपिटल अल्फाबेट, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ले लो, कैपिटल अल्फाबेट. तो मैं सपोज बोल दूंगी कलर, कलर के लिए सी. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. तो ये क्या बोलता है, सी क्या है, हाँ आगे लिखा है कर्ली ब्रेस के अंदर कुछ तो है. तो सी इज माय सेट विच कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लू एंड येलो. तो दिस रेड ब्लू एंड येलो, अगर मैं बोलूँ कि रेड क्या है, रेड इज एलिमेंट ऑफ माई सेट सी, ब्लू इज माई एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट सी, येलो इज माई एलिमेंट और मेंबर ऑफ सी. You can represent your set by using these three representation, tabular form, builder or set builder form, and third is a Venn diagram. For the first form, tabular form, it is listing of all the set members as it is. Like इसमें क्या होता है, जितने भी सारे set के members हैं उसको as it is दो curly brace के अंदर डाला जाता है and they are separated by using commas. So I can say like यही color जो है, that is the tabular representation of three colors, red, blue and yellow. So this is tabular representation, कोई ज़्यादा कुछ different नहीं है. Next representation होता है set builder या builder form. Now इसको क्या होता है, इसमें here you what you do, you represent the properties of set element and you define a set by using its property with its element. अब इसमें क्या होता है, directly set के element दिए हुए नहीं रहते. अब set का element directly नहीं, तो लिखा कैसा जाता है कि इसमें कोई element है तो उसकी property क्या होगी वैसे लिखा जाता है. Like for example, S is my set and here I will write the set S in the set builder form as X such that, ये कोलन होता है या बार होता है, एंड आई विल राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स जो है मेरे सेट के अंदर का कोई भी एक एलिमेंट है, बट वो कैसा होगा. तो आई कैन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स आइदर इन फॉर्मूला और आइदर इन इंग्लिश स्टेटमेंट और कोई भी यूज कर लो. तो इसको होता है सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन या इन दिस वे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोलना है कि रेनबो के काफी सारे कलर्स हमको लिखने हैं, तो अगर मैं एक एक लिखते बैठू तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगी, आई विल राइट द फॉर्मूला और आई विल राइट द इंग्लिश स्टेटमेंट कि एक्स क्या है, एक्स ये क्या है, एलिमेंट ऑफ माई सेट आ रहे हैं, पर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर मैं पकड़ लू तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज अ रेनबो कलर, कोई भी एक जो एलिमेंट है इज अ रेनबो कलर, आर नहीं है, तो एक एक एलिमेंट जो है सेट के अंदर का रेनबो कलर. अगर मैं इसको टैबुलर फॉर्मेट में लिखूं तो मैं क्या करूंगी, हर एक एलिमेंट को सेपरेट सेपरेट लिखूंगी एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा. तो उसका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि रेनबो के कलर क्या होते हैं, सात होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, विबग्योर ऐसा बोला जाता है, तो वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है. तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट इसको क्या होता है, ये टैबुलर फॉर्म है. अगर मैं इसको ही इंग्लिश स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दूं एंड इसके फॉर्मेट में लिख दूं बिल्डर फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन. एंड लास्ट होता है वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं है, वेन डायग्राम में हर एक सर्कल क्या होता है, हर एक सेट जो है सर्कल में रिप्रेजेंट होता है एंड वो होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर. थैंक यू यूजर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.